वाम दलों के समर्थन वाले किसान व मजदूर संगठनों की तरफ से आज दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसे मजदूर किसान संघर्ष रैली का नाम दिया गया है। इस रैली में देश भर से 4 लाख से ज़्यादा किसान मजदूरों की दिल्ली में जुटने का दावा किया गया है। यह रैली सुबह करीब 10 से 11 बजे से रामलीला मैदान से शुरू होकर संसद भवन तक मार्च करेगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश की सड़कों पर भीषण जाम लगने की संभावना है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों के मध्य दिल्ली के मुख्य मार्ग खासकर दिल्ली गेट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, टोलसाट मार्ग, जंतर मंतर, मिंटो रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जुड़े मार्गों पर न जाने की मशवरा दिया गया है। वाम दलों का कहना है कि रामलीला मैदान में आयोजित किसान रैली की तर्ज पर आने वाले दिनों में और भी ऐसा ही रैलियां होगी। रैली के आयोजकों ने बताया कि माकपा के बैनर तले आयोजित किसान मजदूर रैलियों के माध्यम से देश में किसान और मजदूरों की बदहाली के मुद्दे लगातार उठाए जाते रहेंगे और इसकी शुरुआत बुधवार को रामलीला मैदान में कर दी गई है। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।